नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश अत्याचार निराकरण अनंत कुमार तिवारी ने आज हत्याकांड के आरोपी रामस्वरूप एवं चार अन्य आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और एक आरोपी रमेश पटेल को बरी किया है। जी हां, मामला दिनांक 10 जनवरी 2015 का है। आरोपियों ने सामूहिक रूप से नयागांव धमना नारद पटेल के खेत के पास सरदार सिंह को तेज धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। थाना ठेमी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसकी आज सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक अधिकारी ने न्यायालय में जो तर्क और साक्ष्यों को प्रस्तुत किए, उन्हें न्यायालय ने तर्कसंगत मानते हुए आरोपी रामस्वरूप पटेल, राखन सिंह, तावल सिंह, आशीष एवं भरत सिंह को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। एक आरोपी रमेश पटेल को साक्ष्य न मिल पाने के एवज में बरी किया गया। थाना ठेमी का है, अपराध क्रमांक 9/15, जिसमें थाना ठेमी ने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया हुआ था। इसमें सरदार सिंह मृतक मृत्यु हुई थी और ये 5 आरोपी हैं, जिसमें रामस्वरूप, मस्तराम, लाखन सिंह, आशीष, टावल, रमेश, इनमें रमेश को छोड़ा गया है। बाकी सब आरोपियों को आजीवन कारावास सुनाया गया है। इसमें अंतर्गत धारा 341, 347, 148, 149, 506, 302। ये घटना ऐसी है कि अनुसूचित अत्याचार की धारा भी इसमें लगाई गई है, क्योंकि सरदार सिंह जारोलिया अनुसूचित जाति का था। आशा है कि आरोप 10/1/2015 को प्रातः लगभग 10 बजे ग्राम नयागांव की धमना के पास मध्यस्थित नारायण पटेल के खेत में, और सरदार सिंह वहां उपस्थित था। इन लोगों ने एक राय होकर उसको बका, कुल्हाड़ी और राड से मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज, नरसिंहपुर।